मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ई विद्या की अगर आप साइट खोलते हो तो वहां पर आपको ई विद्या के चैनल्स मिलेंगे। ई विद्या को कोविड पीरियड के बाद, क्योंकि बच्चों तक एजुकेशन लर्निंग पहुंचानी थी, तो ई विद्या का 2019 में जो था इनिशिएशन लिया गया। इस ई विद्या की साइट पर अब चैनल कौन से हैं, दीक्षा इस पर अलग वीडियो, स्वयं पोर्टल पर सारे वीडियो आ चुके हैं, स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। रेडियो ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हिंदी, ये वेज हैं जहाँ चैनल है, जहाँ इनको मॉडल्स भी कहा जाता है ई विद्या के। तो ई विद्या में स्वयं प्रभा टीवी की इन्फॉर्मेशन जहाँ पर खुल जाएगी, इस इन्फॉर्मेशन को लेके मैंने ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे 7 जुलाई 2017 को इनॉगुरेट किया गया, डेट पूछी जा सकती है। तो इसका ऑपरेशन GS-AT 15 सैटेलाइट्स के द्वारा किया जाता है। तो इसकी जो भी विशेषताएं हैं, इनके काम हैं, इनको लेके सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों को कवर किया गया है। जैसे हर इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन फ्लिप नेट सेंटर हैज ऑल्सो डेवलप्ड ऐप ऑफ स्वयं प्रभा, उसकी जानकारी यहाँ डिस्प्ले की गई है। क्लास फर्स्ट से लेकर टेंथ तक, 11 से 12 तक शेड्यूल देख सकते हैं। एक फर्स्ट से 10 क्लास तक 2 आवर का टेलीकास्ट शेड्यूल है, 9 से 11 बजे तक है, और रिपीटेड टेलीकास्ट 2 आवर का 4 से 6 पर डे होगा। क्लास 11 से 12 के 3 आवर का टेलीकास्ट शेड्यूल होगा, जो कि 9 से 12 बजे तक होगा और रिपीटेड थ्रू आउट डे। स्वयं प्रभा की जो वेबसाइट है वहां पर ये इमेज आपको डिश टीवी और उसकी जो ट्रांसमिशन है टुवर्ड्स बुक्स, और लिखा है फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पर जाना है, यहाँ क्लिक करेंगे स्कूल एजुकेशन और आर्काइव कंटेंट डिस्प्ले हो गया। अब जिस क्लास को मैं जिसको अटेंड करना चाहता हूँ उसको क्लिक करूंगा। तो ऐसे करिकुलम बेस्ड कोर्स बनाए गए हैं स्वयं प्रभा पर, टोटली एकेडमिक एम है इसका। चैनल्स की डिवीजन की गई है, जो एजेंसीज हैं, नेशनल एजेंसीज हैं, एजुकेशनल एजेंसी, उनको मैनेज करने के लिए दिया गया है। फॉर एग्जांपल चैनल 1 से 10 CEE एंड UGC न्यू दिल्ली, नेशनल कोऑर्डिनेटर इज प्रोफेसर जगत भूषण नंदा, डायरेक्टर CEC न्यू दिल्ली। इनके द्वारा पहले 10 मैनेज किए जाते हैं चैनल, उसके बाद 11 से लेकर ये रहे 11 से 22 तक, और बीच में हाँ 16 है, 16 के बाद 22 है, ये मैनेज किए जाते हैं MPTEL के द्वारा। नेक्स्ट है चैनल मैनेज बाय इग्नो 2018-19 and 20, चैनल मैनेज्ड बाय प्राइमरी एजुकेशन, और ये चैनल 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 तक है। चैनल मैनेज बाय सेकेंडरी एजुकेशन 31 एंड 32, पहले इसके 32 थे, अब 34 चैनल टोटल हो गए हैं चैनल मैनेज बाय हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जो चैनल की डिवीजन है इस पर नेक्स्ट वीडियो होगा एमसीक्यू का। अब बेसिक जो क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे इस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो इस साइट पर अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज स्वयं प्रभा इनिशिएटिव लॉन्च्ड। अभी हमने किया कि 7 जुलाई 2017 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। राइट आंसर इज 2017। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी DTH डायरेक्ट टू होम चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा इनिशिएटिव। आंसर इज 34, पहले 32 थे, अब 34 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा के उद्देश्य क्या हैं? प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, तो ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के कारण रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफरिंग यस, ये करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ एजुकेशन प्रोवाइड करना है 24/7। टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम, सी इज राइट आंसर। हेल्थ केयर रॉन्ग है। विच सैटेलाइट इज यूज्ड बाय DTH चैनल प्रोग्राम टेलीकास्ट, GS-AT 15 राइट आंसर है। इसको बड़ा करके देख लेते हैं कि जी
SAT, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। राइट आंसर यहां बता दूं कि ये है 15, इसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का एस याद रखना, सेम टाइम पर अगर दो चीजें इकट्ठी अवेलेबल हैं, आप फोन करते हो, दूसरे ने उठा लिया, इकट्ठे बात कर रहे हैं, तो सिंक्रोनाइज सिस्टम है। आपने वॉइस मैसेज छोड़ दिया, अभी उसने एक घंटे बाद देखा आपके साथी ने, तो ये एसिंक्रोनाइज सिस्टम है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो कि भारत द्वारा डेवलप किया गया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये भी पूछा जा सकता है। यूज्ड फॉर डिजिटल ऑडियो डाटा एंड वीडियो ब्रॉडकास्टिंग। GST 15 इज एन इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिमिलर टू GSAT 10, ये पूछा जा सकता है। टू ऑगुमेंट द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपोंडर, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड अ मोर बैंडविच फॉर डायरेक्ट टू होम टेलीविजन एंड VSAT सर्विसेज। इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च इन 10 नवंबर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको छोटा कर लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये रहा 5th क्वेश्चन, वेयर आर द चैनल अप लिंक्ड फ्रॉम। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, स्वयं प्रवाह के जो चैनल हैं वो अप लिंक्ड कहाँ से किए जाते हैं, ये गांधीनगर, इसके लिए याद रखना है। ऐसे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि मेन फ्रेज क्या है जिसको याद रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन जब ये वर्ड बदल जाएगा तो ये ऑप्शन जो आंसर है बदल जाएगा। अपलिंक कहां से होता है, तो अपलिंक को याद रखने के लिए मैंने क्या किया है, यूपी इसका बना लिया। अरे यूपी नहीं भैया, गांधीनगर, एक सेंटेंस ऐसे बोल लिया, जहां लिख लिया तो याद हो गया। तो दूसरा क्या हो सकता है कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, BISAG गांधीनगर, इसकी फुल फॉर्म क्या है। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड द कंटेंट, वो अपलिंकिंग लिंकिंग था, अपलिंकिंग को यूपी के साथ जोड़ के गांधीनगर में आ गए, और ये है कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है ना, ये करता है, कौन करता है, कितने जाने करते हैं, NCERT करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग करता है, NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNO, CEC, न्यू दिल्ली ओनली, इनफ्लिप नेट सेंटर। तो जो कंटेंट एक एजेंसी प्रोवाइड नहीं करती, लार्ज नंबर ऑफ एजेंसीज हैं, तो इस ऑप्शन में ये भी ठीक है, 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 क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कवर की गई है, बी ऑप्शन इसको चुनेंगे, है ना, है तो ये भी ठीक, लेकिन इसमें एक चुनी गई है। टोटल नंबर ऑफ एजेंसीज जो हैं कवर कर रही हैं, कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNO, NCERT और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हमने पढ़े थे ना, वो सारे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्वयं प्रभा, प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रिमोट एरिया। रिमोट एरिया वाली थोड़ी बात ठीक है, लेकिन ऑफरिंग प्रोफेशनल डिग्री, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, अकेडमिक, ऑफरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रेपरेशन मटीरियल, सिर्फ मटीरियल देना, या मेकिंग क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज असेसेबल टू रिमोट एरिया। देखिए, देखने में सभी ऑप्शन ठीक लगती हैं, लेकिन सेंट्रल आइडिया किस में पड़ा है उसको अंडरलाइन करके हम समझ सकते हैं। नंबर एक, क्वालिटी लर्निंग एक बात हो गई, दूसरी है असेसेबल रिसोर्स, नंबर तीन रिमोट एरिया। ये तीन का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि ये बेस्ट जो है कॉम्प्रिहेंसिव एम जो है स्वयं प्रभा का, वो बताया जा रहा है इसमें। दैट इज वाई, विच लेवल ऑफ एजुकेशन डज स्वयं प्रभा चैनल कवर, हायर एजुकेशन ओनली, ओनली के कारण रिजेक्ट कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन 9th से 12th तक लेवल ओनली, बोथ हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन ओनली, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्लास नहीं आई, बोथ हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन, क्योंकि फर्स्ट क्लास से ये शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है, स्वयं प्रभा के लिए कौन सा संगठन वेब पोर्टल का रखरखाव का काम करता है। देखिए, ये मैनेज्ड बाय डिफरेंट है, अपलिफ्टिंग बाय, अपलिंकिंग बाय, अपलिंकिंग का यूपी बनाया था ना, तो उसको गांधीनगर से जोड़ लिया था, तो इसको किससे जोड़ेंगे, इसको इनको किसी से नहीं जोड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। इनफ्लिप सेंटर जो करता है मेंटेन, मेंटेन शब्द जब आता है, मेंटेन को इनफ्लिप से जोड़ना है, मेन की पहली आई को निकाल के इनफ्लिप कर लो, क्योंकि
मेन का आई एन और इसका आई एन मिल गया भाई, इनफ्लिप इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। विच डिसिप्लिन आर कवर्ड इन करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट, ये जब करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट, ये एक अलग से क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि जो स्वयं प्रभा है वो करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो करिकुलम बेस्ड मीन के हर क्लास के मुताबिक जो सिलेबस या करिकुलम है उसका कंटेंट एकेडमिक प्रोवाइड करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग आर्ट एंड सोशल साइंस, ओनली लिखा है रॉन्ग हो गए। डाइवर्स डिसिप्लिन इंक्लूडिंग आर्ट साइंस कॉमर्स एंड मोर, तो राइट आंसर ये रेड किया है, खतरनाक हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ कोर्स आर सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल ऑफरिंग थ्रू स्वयं, तो ये जब स्वयं आता है तो आपने प्रेफर मूक को ही करना है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एड्स प्रोवाइडिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, है ना, ये स्वयं प्रभा में, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन बन गया क्योंकि एड का काम क्या होगा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सीधा बन गया, ये पूछा भी जा सकता है। एनहांस एंटरटेनमेंट नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, हेल्प चिल्ड्रन टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, एड इन अंडरस्टैंडिंग, एड का मतलब अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट इन बेटर वे, तो राइट आंसर डी है, समझ आ सके इसलिए यूज किया। हाउ मेनी चैनल्स आर मैनेज्ड बाय सीईसी न्यू दिल्ली, अभी करके आए हैं फर्स्ट से लेके टेंथ तक, तो इसलिए राइट आंसर होगा 10, ये वाला राइट आंसर 10 है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फोकस ऑफ करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट इन हायर एजुकेशन, देखो अगर करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट ये शब्द पढ़ लिया तो एकदम उत्तर की तरफ नहीं जाना, ये देखना है हायर एजुकेशन के लिए है या स्कूल एजुकेशन के लिए है। साथ में हिंदी का भी इधर डिस्प्ले कर देते हैं, ये रहा हाँ ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्स ओनली, अब हायर एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन आएगी, अंडर ग्रेजुएट ये भी हायर एजुकेशन में है लेकिन ओनली है, बोथ पोस्ट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, इट मीन राइट आंसर यही होगा, प्राइमरी नहीं है क्योंकि हायर एजुकेशन है, वीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस, ये सारवा रहा, फॉर करिकुलम बेस्ड कोर्स दैट मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रोफेशनल्स इन इंडिया नहीं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, हाँ ये हो सकता है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ लॉन्ग की बात हो रही है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अब्रॉड, राइट आंसर ये होगा। 18वां क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की सहायता करने में स्वयं प्रभा का फोकस क्या है, 18वां क्वेश्चन क्या फोकस है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्लास 9th या 10th है, जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे बीएड की तैयारी कर रहे हो, क्लास 11th या 12th है, जहां पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर रिसर्च एग्जाम है, राइट आंसर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम किन के लिए, क्योंकि इन्होंने इसके बाद कैरियर को चूज करना है, यहाँ पर 11वीं और 12वीं कक्षा इनका फोकस है। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इन स्कूल एजुकेशन, मेरे ख्याल में ये इजी क्वेश्चन होगा, एनहांस टीचिंग स्किल्स ऑफ कॉलेज प्रोफेसर्स, ट्रेन प्राइमरी स्कूल टीचर, देखिए जब ये ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही टीचर ट्रेनिंग तो सबसे पहला, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो पहला नंबर इनका आएगा। अगर दूसरा है असिस्ट स्टूडेंट इन प्रिपेयरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, प्रोवाइड टीचिंग एड्स नहीं, राइट आंसर ये है ट्रेनिंग प्राइमरी स्कूल, ये है प्रोवाइडिंग प्रोवाइड टीचिंग एंड लर्निंग फॉर एड चिल्ड्रन, नहीं ये भी गलत है, तो सी राइट आंसर था। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ करिकुलम बेस्ड कोर्स इन हायर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एडवांस्ड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, नहीं एडवांस रिसर्च कराना इसका नहीं है एम, असिस्टिंग द कैरियर डेवलपमेंट, ये हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी तैयार करवाए जा सकते हैं, छोटा सा टिक लगाएंगे बड़ा नहीं, ऑफरिंग सर्टिफिकेशन रेडी कोर्स नहीं, ये नहीं, ये मूक, एनहांसिंग एंटरटेनमेंट, तो ये दो ऑप्शन बनती हैं, इनमें से हम चूज कर रहे हैं असिस्टिंग इन कैरियर डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या था कि हायर एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन के बाद प्लस टू के बाद शुरू हो जाती है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी वहाँ करवाए जाते हैं और कैरियर कॉम्पिटिशन की, है ना, वो भी तैयारी करवाई जाती है।
नेक्स्ट है स्वयं प्रभा पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ करिकुलम बेस्ड कोर्सेज इन हायर एजुकेशन बीइंग सर्टिफिकेशन रेडी। हाँ ये देख लीजिए 22nd है, टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी, टू एनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन, फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांसफर, टू मीट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट, टू प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटी। सीधी अपॉर्चुनिटी दे देना है, नहीं ये नहीं है, अपॉर्चुनिटी देना नहीं है, उनको तैयार करना है। टू एनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन, मोटिवेट करना नहीं है, ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट हो गया इफेक्टिव डोमेन पर। टू फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांसफर, ऐसी कोई बात नहीं है। टू मीट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड नीड, क्योंकि इंडस्ट्री में जाना है, जॉब में जाना है, उनके जो स्टैंडर्ड है, रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्स चाहिए उसके लिए तैयार करना है, उसके लिए ये हेल्प करती है। जो तो ये किसका है, ये करिकुलम बेस्ड कोर्स इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन प्लस टू के बाद आ गई, प्लस टू के बाद नेचुरली है कि जॉब कैरियर की तरफ जाना है और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से मीट करेंगे। दूसरा साथ में लिखा है बीइंग सर्टिफिकेशन रेडी, है ना, सर्टिफिकेट के साथ जोड़ के जो कोर्सेज करवाए जाते हैं। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में आधारित पाठ्यक्रमों के का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम बेस्ड कोर्स इन स्कूल एजुकेशन। क्वेश्चन कैसे बदल गया है, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ देखने के लिए, ये फोकस करना है स्कूल एजुकेशन का, पहले हायर एजुकेशन पर था। फर्स्ट फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ऐसी कोई बात नहीं की गई, हाँ ये गलत नहीं है, थोड़ा सा टिक लगा रहे हैं। टू फैसिलिटेट टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ, स्कूल एजुकेशन में है, टीचर एजुकेशन होता तो टीचर होते ना, दैट इज वाई इसको क्रॉस कर रहे हैं। टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, ये बात नहीं की गई, है ना। टू हेल्प द स्टूडेंट टू प्रिपेयर, आगे चलना पड़ेगा इसको ऐसे करके, ये रहा, यही ठीक हो सकता है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यस, जब ई विद्या का हमने वो साइट देखी थी, वेबसाइट देखी थी, उसमें एक मॉडल जो था यही था कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर होगा, व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज आर ऑफर्ड ऑन स्वयं प्रभा फॉर लाइफ लॉन्ग, आजीवन शिक्षार्थियों के लिए स्वयं प्रभा किस प्रकार के पाठ्यक्रम पेश करता है, प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम। तो राइट आंसर इज करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम, ओके, क्योंकि ये कैटेगरी लेवल आ गए, लाइफ लॉन्ग की बात है तो करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम, आप कोई भी करिकुलम आगे चल के कर सकते हो। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कंटेंट फॉर स्वयं प्रभा करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम, अच्छा ये रिपीट हो गया ना, जो 6-7 हमने की थी, तो उनमें ये भी है, ITV, UGC भी है, NPTEL भी है, ऑल ऑफ द अबव इसका आएगा। हाँ अच्छा ये लिखा भी है, ये प्रोवाइड करती है, रेपिटेशन है प्योरली। अच्छा ये डेंजरस क्वेश्चन होता रहता है, रेड को मार्क मैंने किया है। 25, कौन सा संगठन स्वयं प्रभा के पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रमों के लिए सामग्री प्रदान करता है, कंटेंट कौन प्रदान करता है, अब ये ऑप्शन बदल गए, मिनिस्ट्री कंटेंट है, स्वयं प्रभा इनिशिएटिव यहाँ पर है, नहीं 26वां है अभी, गलत हो गया, ये वाला, ये है, ये स्वयं प्रभा पहल के लिए कौन से सरकारी मंत्रालय जिम्मेवार है। ये क्यों क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नहीं आएगा, MHRD के ही अंडर है ये वाला नहीं आएगा, रॉन्ग है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी रॉन्ग है, MHRD है, क्योंकि ये 2017 में था लॉन्च किया गया, तब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, MHRD, तो 2020 की पॉलिसी के बाद इसको कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इनमें से राइट आंसर पहले, अगर जब ये लॉन्च किया गया था उसके मुताबिक ये राइट आंसर बनता है, अगर ये नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को फिर जो राइट आंसर चूज कर सकते थे। ये थे एक दो और क्वेश्चन है जो क्रिटिकल हो सकते हैं, जहां ऑप्शन उनकी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी आवर न्यू कंटेंट इज प्रोवाइडेड एवरी डे ऑन स्वयं प्रभा चैनल, वो तो किया था कि 1 से 10 क्लास तक का है, 11वीं 12वीं तक का है ना, अगर ऐसे पूछा जाता है तो आप 4 आवर टिक करोगे, ये वेबसाइट पर ऐसे लिखा है। और अगर ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी DTH चैनल्स आर इंक्लूडेड इन द स्वयं प्रभा ग्रुप, तो 34 नहीं है, आप 22 को फोकस करोगे। हाउ मेनी टाइम्स इज द न्यू कंटेंट रिपीटेड, न्यू कंटेंट ये अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि आप डाउट से हो सकते हो कि न्यू कंटेंट है रिपीटेड है, न्यू कंटेंट 5 टाइम्स,
हाँ रिपीट होता है मिनिमम, है ना, वो मिनिमम 4 टाइम जो पिछली बात की करके आए थे। तो अगर आता है क्वेश्चन आपको, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द कंटेंट ऑफ स्वयं प्रभा प्रोवाइड द, तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसकी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑप्शन NPTEL, IIT, UGC, CEC, इग्नो, ये ठीक है। हाँ हम ये जानते हैं, 9 कोऑर्डिनेटर किए थे, उनके साथ मैच करके सीख सकते हैं। तो CBSE नहीं करती, क्या क्या नहीं करती है ना, NCERT करती है, यूनेस्को नहीं करता, हु नहीं करता, IMF नहीं करता, यूनिसेफ नहीं करता, BBC नहीं करता, CCN नहीं करता, ESNP, डिस्कवरी, ये नहीं करती। तो ये राइट आंसर है, ऑप्शन जो है डिस्ट्रक्टर और तरह भी आ सकता है, सिर्फ इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज द ब्रॉडकास्टिंग ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन स्वयं प्रभा चैनल? 12 घंटे, 18 घंटे, 40, 24 घंटे, है ना, हाँ हफ्ते के लगातार चलते रहते हैं। हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द टाइम ऑफ वाचिंग प्रोग्राम्स ऑन स्वयं प्रभा? ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन, तो ये थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन चेंज होते हैं तो डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है, इसलिए ये रेड कलर करके अलग से थोड़े क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये थे कुछ स्वयं प्रभा के बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। और क्वेश्चन होंगे जो चैनल्स के साथ हैं, उनकी डिवीजन के साथ है, कौन सा चैनल, कौन सी कंटेंट, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा जो एजेंसी उसको मैनेज करती है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, वो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन और ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह।